फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स अगर आप यहां पे Redmi 10 इंडिया के यूज़र हैं तो आप सभी के लिए ग्लोबल शेबल में एक न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो वो अपडेट सभी यूज़र्स को कब तक मिलेगा, इंडिया में एंड्रॉयड 12 कब तक आएगा, ग्लोबल में अगर एंड्रॉयड 11 चल रहा है तो एंड्रॉयड 12 कब तक रिलीज़ किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स अगर आप यहां पे Redmi 10 इंडिया के यूज़र हैं तो आप सभी के लिए यहां पे एक न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड्रॉयड 12 के अपडेट्स कब तक रिलीज़ किए जाएंगे, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे एंड्रॉयड 12 के कौन से अपडेट्स रिलीज़ किए गए थे। तो यहाँ पे ग्लोबल शेबल के लिए ऑफिशियली 13.0.2.0 का ग्लोबल शेबल अपडेट एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड MI पायलट टेस्टर्स के लिए 11 जुलाई को रिलीज़ किया गया था, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लीक हुए थे, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये रहे वो स्क्रीनशॉट। तो ये अपडेट का साइज 2.5 GB का, और इसमें हमें चेंज लॉग में जून का सिक्योरिटी पैच, स्टेबल MIUI बेस्ड एंड्रॉयड 12 और मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स के भी चेंज लॉग देखने के लिए मिल चुके थे। और इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर चुका था। अब यहाँ पे इस अपडेट को MI पायलट के बाद इस अपडेट को यहाँ पे पार्शली 21 जुलाई को कर दिया गया था। इसके डाउनलोड लिंक्स भी मैंने दोबारा से पोस्ट कर दिए थे। अब ये अपडेट जुलाई को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया था यहाँ पे पार्शली, लेकिन अब इस अपडेट को भी यहाँ पे सस्पेंडेड कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक न्यू अपडेट रिलीज़ हो चुका है एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ। तो यहाँ पे 13.0.12.0 का MI पायलट टेस्टर्स के लिए 11 अक्टूबर को न्यू अपडेट रिलीज़ किया गया था, और इसी के साथ इसके मैंने डाउनलोड लिंक्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिए थे, और इसके कुछ स्क्रीनशॉट भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। Redmi 10C 13.0.12.0 ग्लोबल शेबल अपडेट सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ, और इस अपडेट का चेंज लॉग यहाँ पे ये रहा, अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू सितंबर 2022 और इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो अब बात करें कि यहाँ पे एंड्रॉयड 12 के अपडेट्स आपको कब तक देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडिया के लिए कौन सा अपडेट इस डिवाइस के लिए चल रहा है। तो इस डिवाइस के लिए जो कि Redmi 10 पावर इंडिया में देखने के लिए मिलता है, इसमें हमें लास्ट अपडेट 30 अगस्त को देखने के लिए मिला था 13.0.8.0 का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट। तो ये वाला डिवाइस हमें इंडिया में Redmi 10 पावर के नाम से अवेलेबल है, यानी कि Redmi 10 पावर, Redmi 10C, Redmi 10 सेम ही डिवाइस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 13.0.8.0 एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। मैंने यहाँ पे गलती से इसमें एंड्रॉयड वर्जन 12 यहाँ पे डाल दिया है, तो मैं इसको यहाँ पे अभी के अभी चेंज कर देता हूँ। तो फिर हमें इसमें एंड्रॉयड 11 के साथ हमें ये अपडेट देखने के लिए मिलता है, ना कि एंड्रॉयड 12 के साथ। तो अब इस डिवाइस में न्यू एंड्रॉयड 12 के अपडेट की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब भी टेस्टिंग कंप्लीट होगी अपडेट्स रिलीज़ किए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स यही थे पूरी इन्फॉर्मेशन Redmi 10C, Redmi 10, Redmi 10 पावर से रिलेटेड एंड्रॉयड 12 के अपडेट्स के रिगार्डिंग।